हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक को देख रहे हैं, और हम लोग पहले रिवीजन करेंगे। उम्मीद है कि आवाज आ रही होगी ठीक से, तो रिवीजन को पहले हम लोग पढ़ लेते हैं जो कल हमने पढ़ा था, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। ध्यान पूर्वक समझने का सुनने का मतलब है कि प्रयास करें समझने का कि क्या बोला जा रहा है, ठीक है। विनीत भाव से श्रवण करने का अर्थ है कि उसके मन में चुनौतीपूर्ण भाव नहीं होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए श्रीमद् भागवतम में। कि सही है, भले ही मेरी इंद्रियों को वो सेट नहीं करता है, हमेशा अपने मनोधर्म के अनुसार नहीं, पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे जो तो निश्चित रूप से भगवान हृदय में स्फुरित होंगे। मैं समझाती है ना बातें। इस जगत में लोग धर्म करते हैं ताकि धन प्राप्त हो, धन इसलिए चाहिए ताकि भौतिक इच्छा की पूर्ति हो, और बद्ध जीव के हृदय में भोग की इच्छा होती है, इस कारण से करते हैं। ये सब भोग की इच्छाएं धोखा है और मोक्ष की वांछा भी धोखा है। धर्म का अर्थ है स्वेच्छा से नियम पालन करना। किसी भी धर्म में नियम जरूर होते हैं, नियम इंसानों के लिए होते हैं। व्यक्ति को मानव जीवन में समझना चाहिए कि मेरे आगे कल्याण किससे होगा, और मानव जीवन में हम सोच सकते हैं, पशु जीवन में नहीं। ये हमें चुनाव करना है कि क्या हम अपना जीवन पशुवत बिताते रहेंगे और पशु के समान ही मरेंगे क्या, ये हम प्रश्न कर सकते हैं अपने साथ। भले ही हमारा जन्म पशु के समान हुआ, अज्ञान में हुआ, लेकिन क्या हम अज्ञान में जीवन बिताएंगे या अज्ञान में मर जाएंगे, ये हमारा चुनाव हमें करना है। मानव जीवन तब शुरू होता है जब उसमें धर्म हो और धर्म में नियम होता है। जीव को धीरे धीरे शुद्ध करके ऐसे स्तर पर लाया जा रहा है कि वो आत्म साक्षात्कार के लिए योग्य बने। ये सब बातें बोली गई थी, इसलिए मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूं। कोई व्यक्ति किसी को दुख देता है तो कारण होता है कि वह इंद्रिय तृप्ति चाहता है, और भक्तों के हृदय में इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं होती, इसलिए वो दूसरों को दुख नहीं देते। झगड़े का कारण है भगवान से विमुखता और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा। इंद्रियां कभी तृप्त होती नहीं है, और इंद्रियों को तृप्त करने से हम और अधिक अतृप्त हो जाते हैं। वस्तुतः हम भोगों को नहीं भोगते, भोग ही हमें भोग लेते हैं। जितना भगवान के चरणों में मन लगता है, मन उतना सुखी होता है। जितना मन इंद्र तृप्ति के लिए विचारों को सोचता है, उतना ही असंतुष्ट हो जाता है, जैसे हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद महाराज के उदाहरण दिए गए थे। पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि के उद्देश्य को बताया गया है कि जीवों की भोग की इच्छा को पूरा करने का मौका दिया जाए, एवं उसकी व्यर्थता जान लेने के पश्चात वास्तविक सुख की खोज में लगा जाए। हर व्यक्ति को उसके लिए यथाउचित कर्मानुसार इंद्र तृप्ति प्राप्त है, लेकिन हम अपनी व्यवस्था को ना देखकर दूसरे की व्यवस्था को देख रहे हैं, और भक्त जानते हैं कि इंद्र तृप्ति से सुख नहीं मिलने वाला है, इसलिए उसमें मति ना लगाकर भगवान की भक्ति में मति लगाते हैं। ये बातें हैं, आगे पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का। सब लोग बोलिए मेरे साथ में, धर्म प्रोजित कैटवोत्र परमो निर्म सराणाम सताम वेद्य वास्तव मात्र वास्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणाम् धर्मः प्रोजित कैटवोत्र परमो निर्म सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। कितने लोगों को याद हो गया अभी तक? एक, दो, तीन, ठीक है, चार, पांच। तो आप फिर आंखें बंद कर गाइए, मैं भी आंखें बंद कर गाऊंगा तो देखूंगा सीख कौन आंखें बंद के गाए, ठीक है। मैं इधर देख के गाता हूँ करके, चलो देख रहा हूँ कौन गाएगा आंखें बंद करके। आंखें बंद कर इसको याद है,
धर्मः प्रोजित कैटबोत्र परमो निर्मसराणां सतम् वेद्यं वास्तव मात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमान् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणाम्। ठीक है, हम लोग पेज नंबर 18 पे थे, 18 से शुरू करते हैं। पेज नंबर 17 पे होना चाहिए ना, 18 पे 17 से शुरू करना है ना। ऐसे अध्यात्मवादी देश रहित और शुद्ध हृदय वाले होते हैं। अब यहां से शुरू करते हैं। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, अतएव स्पर्धा चलती रहती है। स्पष्ट है। लेकिन भगवान के दिव्य भक्त न केवल भौतिक ईर्ष्या द्वेष से रहित होते हैं, अपितु सबका कल्याण चाहते हैं और वे ईश्वर को केंद्र मानकर एक स्पर्धा रहित समाज स्थापित करने का प्रयास करते रहते हैं। स्पर्धा रहित समाज की वर्तमान समाजवादी विचारधारा कृत्रिम है, क्योंकि उसमें तानाशाह के पद के लिए स्पर्धा चलती है। इसने बात थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, बड़ी रोचक बात श्रील प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं। देखिए, एक बात तो ये है कि भक्त लोग ईर्ष्या द्वेष से रहित रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके हृदय में भगवान रहते हैं। और वह क्यों रहते हैं? क्योंकि भगवान की भक्ति करते हैं। तो जहां भगवान है उनके लिए, वहां जहां भगवान रहेंगे वहां इस प्रकार की गंदगी कैसे रह सकती है? सुखी है व्यक्ति भक्ति करके, नाम जप करके, भगवान का श्रवण करके, भगवान का प्रसाद ग्रहण करके भक्त तो सुखी हो गया, तो क्यों द्वेष करेगा? इस संबंध में छोटी सी बात मैं कहना चाहता, छोटी नहीं, बात बहुत गंभीर है। जब हम किसी भक्त की प्रगति को देखते हैं और अपने हृदय में वास्तविक सुख का अनुभव करते हैं, तब समझना चाहिए कि हम वास्तविक भक्त बने हैं। समझ में आया मैंने क्या पॉइंट बोले? हम दूसरे भक्तों को प्रगति करते हुए देखते हैं और वास्तविक सुख का अनुभव करते हैं, तब हम वास्तविक भक्त बने हैं। तीन बात बोल रहा हूं। क्या पहली बात है? दूसरे भक्त को प्रगति करते हुए देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या है? वास्तविक रूप से सुखी होते हैं। और तीसरा क्या है? हम वास्तविक भक्त बने, मतलब हृदय में अब द्वेष की भावना पूरी चली गई। ये अपने हृदय में आराम से आप चेक कर सकते हो कि दूसरा व्यक्ति जप कर रहा है, भागवत पढ़ रहा है, भक्ति कर रहा है, क्या उसको देख करके मैं सुखी हो रहा हूं? अभी मुझे एक भक्त ने एक कोटेशन भेजा है कि जो व्यक्ति दूसरे के नाम जप करते हुए सुखी हो जाता है, दूसरा नाम जप कर रहा है वो सुखी हो जा रहा है, तो वह भी भगवान के धाम चला जाएगा। भगवान कृष्ण की स्वयं की उक्ति है, कल सुबह शेयर करने वाले इसको। तो जो लोग देर में जल्दी नहीं उठ पाते, कम से कम 6:30 पे उठ के जरूर आ जाइएगा। कुछ लोग 6:30 पे आते हैं सुनने के लिए, कुछ अच्छी बात है, लेकिन कितना अद्भुत बात है। और शीला रामानंद राय जी स्वयं बहुत सुंदर कविता काव्य रचना करने में श्रेष्ठ हैं, और महाप्रभु उनसे कह रहे हैं कि रुशीला रूप गोस्वामी, जो कि उनसे काफी जूनियर डिवोटी हैं, उनकी कविता के बारे में आप बताइए। और महाप्रभु श्रीला रूप गोस्वामी पाद जो बहुत यंग डिवोटी हैं, कम जूनियर डिवोटी हैं कंपेयर टू अन्य भक्तों के, उसके उनका गुणगान कर रहे हैं सबके सामने, और अन्य भक्त बहुत खुश हो रहे हैं। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है। तो यहाँ दिखा, यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग वहां पे भक्तों के समाज में कोई द्वेष नहीं है। अब एक और बात समझना चाहिए, प्रभुपाद जी यहाँ पे दिव्य भक्त का उपयोग कर रहे हैं। उसके हृदय में जो व्यक्ति नाम जाप अच्छे से करता है, वाकई निरपराधिक रूप से करता है, उसके हृदय में ये इच्छा आती ही है कि दूसरों को भी ये भक्ति करने का मौका प्राप्त होना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता
कि उसके हृदय में करुणा न आए। जहां भक्ति है वहां पे करुणा है, जहां भक्ति नहीं है वहां करुणा नहीं है, जहां करुणा नहीं है वहां भक्ति नहीं है, नहीं है। जहां करुणा नहीं है वहां भक्ति नहीं है। बहुत गंभीर बात है। अगर हम वाकई सोच रहे हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं तो दूसरों के कल्याण करने की भावना हमारे हृदय में आनी ही चाहिए। अब यह जरूरी नहीं कि हम कल्याण कर पाए, लेकिन कल्याण करने की भावना जरूर आनी चाहिए। ये दो सूक्ष्म बातें हैं, कल्याण कर पाए या ना कर पाए आगे की बात है। खाली सोच रहे हैं, रो रहे हैं कि अरे भाई जीवों का कल्याण कैसे होगा, तो समझ लेना चाहिए कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद वो कह रहे हैं ईश्वर को केंद्र बना के, मतलब सभी कोई अपनी योग्यता के अनुसार भगवान की सेवा करें, इसमें कोई ऊंची नीच नहीं है। ये भक्त सिखाते हैं, इसे कहते हैं दिव्य वर्णाश्रम धर्म, दैवी वर्णाश्रम जिसे कहते हैं, जिसमें देव कृष्ण केंद्र में है। सब लोग अलग अलग कार्य कर रहे हैं, सबके पास अलग अलग कार्य करने की क्षमता है, लेकिन सभी लोग कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें कोई ऊंची नीच नहीं है। डज इट मेक सेंस? दूसरी बात, अब यहां प्रभुपाद बड़ी इंटरेस्टिंग कह रहे हैं कि समाजवादी विचारधारा, समाजवाद में क्या होता है कि सब कुछ स्टेट का है, स्टेट मतलब समाज का है, इस जगत की हर वस्तु समाज की है। और अब समाज तो निराकार हो गया ना, समाज तो का रूप तो है नहीं, तो अब वो वस्तुएं किसकी होंगी? उस तानाशाह की होंगी, उस डिक्टेटर की होंगी जो समाज के टॉप पर है। समझ में आ रहा है? तो वह इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि समाजवाद में ऐसे तो बोल रहे हैं सबको बराबर अधिकार दें, लेकिन जो लीडर है वो जानता है कि सारी सुविधाएं मुझको प्राप्त होंगी, तो इसके लिए स्पर्धा हो जाती है। रशिया में हुआ था ना, ये क्या लेनिन नाम था, क्या नाम था उसका, लेनिन। तो ये लोग इस प्रकार से इस धारा को बोलते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते हैं कि पहली बात, हर कोई व्यक्ति एक ही कार्य नहीं कर सकता है। किसी को बोलिए कि आप फावड़ा चलाइए, वो फावड़ा बड़े आसानी से चला सकता है दिन भर, और किसी को बोलेंगे कि वो प्रवचन करे, भक्ति करे या ब्राह्मणिकल कार्य करे, वह उसके लिए बहुत सहज होता है। डज इट मेक सेंस? हर व्यक्ति एक ही कार्य नहीं कर सकता है, हमारा हाथ सोच नहीं सकता है और हमारा दिमाग कुछ पकड़ने का कार्य नहीं कर सकता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हाथ के कोई महत्व नहीं है। मेक सेंस? तो क्या हाथ में और सर में कोई स्पर्धा हो रही है? नहीं, सब मिल करके शरीर की सेवा कर रहे हैं, ये बात बोल रहे हैं। वेदों की दृष्टि से या सामान्य जन के क्रियाकलापों की दृष्टि से इंद्र तृप्ति ही भौतिक जीवन का मूल आधार है। व्यक्ति इंद्र तृप्ति के लिए, भोग के लिए बहुत प्रयास करने के लिए आतुर रहता है। हमारे एक जानकार हैं, उन्होंने 40 घंटे खड़े होकर के बॉयलर का मेंटेनेंस करवाया, और कहा जाए कि 16 माला एक जगह बैठ के करो तो वो नहीं हो सकता। 40 घंटे आप सोच सकते हैं, आप लोग कभी खड़े हुए 40 घंटे? नहीं हो सकता ना। रोज लोग नाइट शिफ्ट करते हैं, हम लोगों ने एकादशी में कौन सी नाइट शिफ्ट करी है? मैं ये नहीं बोल रहा हूं करो या ना करो, आप लोग किए ना नाइट शिफ्ट एकादशी में? किस दिन किए? हाँ, उस दिन नाइट शिफ्ट वाले दिन एकादशी पड़ गई, वो अलग बात है, लेकिन अन्यथा हमें भी कभी नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कि भोग प्राप्त करने के लिए हम कितनी मेहनत करने के लिए तैयार है। अरे बच्चे ही रोज कम से कम कितना, 6 घंटे 7 घंटे पढ़ते हैं कि नहीं, और यहां कहते 1 घंटा क्लास बहुत हो गया प्रभु जी। हम ही लोग पढ़ के आए हैं कि नहीं, 6 6 7 8 घंटे? बताइए कितने लोग हैं जो कॉलेज में 6 घंटा नहीं पढ़े हैं? तीन बंधु प्रभु, कितने देर पढ़ते थे आप कॉलेज स्कूल में? 5 6 घंटा तो स्कूल लगता ही, तो इतना भी लगता नहीं था, मिनिमम 5 10 से 4 6 घंटा रोज पढ़ते थे। जड़ विद्या जो जीव को गधा बनाती है, गधा बनने की ट्रेनिंग हम 6 घंटे ले रहे हैं। आप ही नहीं, मैं स्पेशलाइज गधा बन के आया हूं, अब तक थोड़ा इंसान बनने का प्रयास कर रहे हैं। इट्स अमेजिंग, है ना? तो यही परम पूज्य वृंदावचंद महाराज बोलते हैं कि जितनी मेहनत व्यक्ति अपने इंजीनियरिंग वगैरह के लिए करता है, उतनी मेहनत श्रीमद भागवतम को पढ़ने के लिए करे तो कितना सा कल्याण हो जाएगा।
और ऐसा तो नहीं है कि हम कहते हैं अच्छा अब जब ये कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पढ़ता है, जैसे पढ़ने की इच्छा करता है तुरंत इसके हृदय में भगवान आ जाते हैं, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। लिखा है कहीं पे? हम लोग पढ़े थे इसको, अभी भी याद है इस प्रकार से। तो हम खाली बात कर रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा व्यक्ति को मेहनत कराती है जगत में, ये बात यहां पे बोली जा रही है। वेदों में तीन मार्ग बताए गए हैं। पहला है श्रेष्ठतर लोगों की प्राप्ति के उद्देश्य से सकाम कर्म करना, कर्मकांड। श्रेष्ठतर लोग समझ में आ रहा है, स्वर्ग लोग इत्यादि। दूसरा है देव लोग जाने के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करना। और तीसरा है परम सत्य तथा उनके निर्विकार पक्ष का साक्षात्कार करके उससे तदाकार होना। इसमें थोड़ा अंतर समझ, एक तो कर्मकांड समझ में आ रहा है और देवता कांड में देवता की उपासना हो रही है, और ज्ञान कांड में व्यक्ति ब्रह्म ज्योति में लीन होने के लिए तपस्या करता है। ये तीन भाग यहाँ पे बता रहे हैं। क्या आप लोगों को याद आ रहा है कि श्रीधर स्वामी की टीका में बताया गया था कि देवता कांड, कर्मकांड, देवता कांड और ज्ञान कांड से भी श्रेष्ठ विषय वस्तु भागवत में रखी जा रही है। अब देख रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी बात क्यों कह रहे हैं। ठीक, किंतु परम सत्य का निराकार पक्ष ही सर्वोत्कृष्ट नहीं है अर्थात सर्वोच्च नहीं है, इससे भी बढ़कर परमात्मा स्वरूप है और इसके भी ऊपर है परम सत्य भगवान का साकार रूप। इसको आप लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। कई बार हमने इसकी व्याख्या करी है इसको, सूर्य सूर्य की गोला और सूर्य देव सूर्य का गोला और सूर्य की रोशनी। सूर्य की रोशनी ब्रह्म ज्योति के समान माना जाता है और सूर्य का गोला हो गया परमात्मा का अनुभव और सूर्य देव हो गए स्वयं भगवान का अनुभव। इस प्रकार से ये उपमा के अनुसार बताया जा रहा है। श्रीमद् भागवत परम सत्य के साकार स्वरूप के विषय में जानकारी प्रदान करता है, मतलब भगवान के बारे में बताता है। यह समस्त निर्विशेषवादी साहित्य तथा वेदों के ज्ञान कांड विभाग से श्रेष्ठ है। यह कर्म कांड विभाग तथा उपासना कांड विभाग से भी उच्चतर है क्योंकि यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा का निर्देश करता है। एकदम एकदम स्पष्ट है, केवल ईश्वर आराधना लक्षण। याद आ रहा है टीका से लगा गया था कि केवल भगवान कृष्ण की आराधना लक्षण रूपी धर्म का यह श्रीमद् भागवतम निरूपण करता है। ठीक है, कर्मकांड से श्रेष्ठ है क्यों? क्योंकि इसमें कोई हिंसा नहीं है, ठीक है, और जीवों पर अनुकंपा है और इसमें कोई स्पर्धा नहीं है। देवता कांड से श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि इसमें भागवतम को सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में जाते हैं। ज्ञान कांड से श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि इसमें भगवान का वर्णन है, केवल भौतिक वस्तुओं का विश्लेषण मात्र नहीं है। ये मैं आपको वहां से रिवाइज करा रहा हूँ जो हमने श्रीधर स्वामी की टीका में पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था आपने? यही पढ़ा था। यस, ठीक। कर्म कांड में इससे एक हमारे गौरांग प्रभु बहुत जो करते हैं, कहते हैं कलयुग में लोग सब भूल जाते हैं। उनका एक भगवद गीता का प्रवचन आया करता था, उसका नाम था आत्मा। तो वही एक बार उन्होंने बना दी रिकॉर्डिंग और उसको हर बार प्ले किया जाया करता था। तो हर बार भक्त उसको बोलते हैं प्रभु इस बार बहुत अच्छा आपने बोला है, इस बार बहुत अच्छा बोला है। उनको लगता था कि हर बार जो है वो नया रिकॉर्डिंग है जबकि नई बात बोली जा रही, जबकि हर बार वही बात वही एग्जैक्टली वही रिकॉर्डिंग प्ले की जाती थी। लेकिन भक्तों को लगता था कि नहीं इस बार पिछली बार उतना था और उस बार बहुत अच्छा बोल रहे हैं। तो प्रभु जी कहते थे कलयुग में बहुत अच्छा है क्योंकि लोग सब कुछ भूल जाते हैं, तो आप कुछ वही बात बार बार बोलेंगे तो भी लगे हाँ कुछ नया बोल रहे हैं, कुछ नया बोल रहे हैं ऐसा करके। लेकिन हम लोग रिवाइज करा रहे ताकि बात याद रहे आपको। अब देखिए मुझे ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप टीका में मेहनत कर लेंगे तो इधर प्रभुपाद जी का तात्पर्य समझने में बहुत आसानी रहेगी। कर्म कांड में और अधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर जाने की स्पर्धा चलती है, ठीक है, स्पर्धा की बात यहाँ पे समाप्त। इसी प्रकार ज्ञान कांड तथा उपासना कांड में भी स्पर्धा चलती है। श्रीमद् भागवतम इन सबों से श्रेष्ठ है क्योंकि इसका लक्ष्य परम सत्य है जो इन समस्त विभागों का मूल है। श्रीमद् भागवतम से मूल तत्व तथा श्रेणियां दोनों जाने जा सकते हैं। वस्तुनो अंशः जीवः, वस्तुनो अंशः मायाः, वस्तुनः कार्य जगत। तीन बात बताई गई थी टीका में। न सिर्फ भगवान परमार्थ वस्तु जाने जाते हैं अपितु उनका अंश जीव जाना जाता है,
उनकी शक्ति माया को समझ में आती है, और उनके कार्य ये जगत सृष्टि जो करते हैं यह भी समझ में आता है। ये सभी चीज वास्तविक हैं, उनसे पृथक नहीं है। श्रीधर स्वामी जी का टीका में पढ़े थे कि नहीं, ये बात यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं। मूल तत्व कौन है? भगवान कृष्ण। और श्रेणियां क्या हो गई? श्रेणी का मतलब हो गया उनके विभिन्न अंश। तो जीव, माया और जगत, ये सब समझ में आ जाता है। अब तो मेरे ख्याल से व्याख्या की आवश्यकता ही नहीं, बहुत इजी हो रहा है। यह मूल तत्व परम सत्य परमेश्वर है और अन्य सारे उद्भासन शक्ति के सापेक्ष रूप हैं। मूल तत्व से अलग कुछ नहीं है, किंतु साथ ही सारी शक्तियां मूल तत्व से पृथक हैं। इसका क्या मतलब है? उद्भासन शक्ति के सापेक्ष रूप, इतना कठिन हिंदी समझ ही नहीं आएगा कि क्या बोलेंगे। उद्भासन मतलब प्रकट करने की सृष्टि, क्रिएटिव फोर्स। इस जगत में हर वस्तु सापेक्ष है, रिलेटिव है। अगर पृथ्वी की सत्ता है तो पृथ्वी की सत्ता किस पे आधारित है? जल पे। जल की सत्ता किस पे आधारित है? अग्नि पे। अग्नि की सत्ता वायु पे, वायु की सत्ता आकाश पे। तो एक दूसरे पे ये आधारित है, ऐसा समझ लीजिए। दूसरा बताया गया था एक और तरह से, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, इनकी एक त्रिपुटी बना सकते हैं। त्रिपुटी मतलब ट्रायंगल। एक तरफ ज्ञाता रख दीजिए, एक तरफ ज्ञान रख दीजिए, एक तरफ ज्ञेय रख दीजिए। जिसको ज्ञाता अपने ज्ञान से जानता है उसको ज्ञेय कहते हैं। तो आप देख सकते हो कि इस जगत में इन तीन वस्तुओं के अलावा कोई है वस्तु? ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। चौथी वस्तु कौन सी? और ज्ञेय को हटा दीजिए तो उन दोनों की सत्ता भी डिस्टर्ब हुई महसूस होती है। अगर जानने को योग्य वस्तु ना हो तो ज्ञान और ज्ञाता का कोई मतलब नहीं है। ज्ञाता नहीं है तो ज्ञान और ज्ञेय का कोई मतलब नहीं है, और ज्ञान नहीं तो ज्ञाता और ज्ञेय का कोई मतलब नहीं है। तो ये आपस में एक दूसरे के लिए से सापेक्ष है, रिलेटिव है, ये भी बात समझना चाहिए। हे भगवान, कहां फंस गए हम लोग? अच्छे भले प्रसाद पा रहे थे, कहां आ गए ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ये वो। मैं भक्तों से आज बात कर रहा था, हमने सुबह प्रवचन दिया और कुछ अद्भुत से प्रश्न आए थे, मतलब डिवोटी कौन है, नॉन डिवोटी कौन है, और उत्तर बड़ा स्पष्ट है। जो कृष्ण की सेवा कर रहा है वो डिवोटी है, जो उत्तर कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा है वो नॉन डिवोटी है। इसमें कठिनाई समझने में, लेकिन उस व्यक्ति को जिसने प्रश्न किया उसको समझने में बहुत कठिनाई हो रही थी। तो मुझे ये कठिनाई हो रही थी कि उन्हें कठिनाई क्यों हो रही है, कितना आसान है जो भगवान कृष्ण की कैसे भी सेवा कर रहा है, प्रणाम, चलो मान लो नाम जप नहीं कर रहा है, भगवान को प्रणाम कर रहा है, भगवान के भक्तों की सेवा कर रहा है, प्रसाद खा रहा है, कुछ भी भगवान के निमित्त कर रहा है, तो भक्त है कि नहीं? इसका विश्वास है कि भाई कृष्ण भगवान है तो भक्त है, चाहे वो कहीं पे भी रहे। तो बड़ा, मतलब मैं हिंदी शब्द यूज करके खिन्न हो जाता हूँ कि भाई इतनी बुद्धि कुंद कैसे हो सकती है। वैसे अगर वो सुन लिए इस प्रवचन को तो और गुस्सा हो जाएंगे उम्मीद है कि सुने, लेकिन इतनी बुद्धि कुंद कैसे हो सकती है जो भगवान की भक्ति कर रहा है। राजकुमार प्रभु, आप भक्त हैं कि नहीं? क्यों क्या क्यों क्यों मान रहे हैं कि आप भक्त हैं? क्योंकि आप तिलक लगा रहे हैं, आप जप कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, क्या समझना मुश्किल है? मनोज प्रभु, आप भक्त हैं कि नहीं? आप बहुत उच्चतर भक्त हैं, निम्नतर भक्त है वो नहीं बोल रहे हैं, भक्त तो है ना, भगवान पे विश्वास है ना, इसमें क्या कठिनाई है? बड़ा मुझे बहुत क्रोध आ रहा था, मैं किसी तरह सहन करके उत्तर दे रहा था, बहुत क्रोध आ रहा था। इतनी बात समझ में नहीं आती कि डिवोटी कौन है, नॉन डिवोटी कौन है। जो भक्ति कर रहा है वो डिवोटी है, जो भक्ति नहीं कर रहा है वो नॉन डिवोटी। तो खैर, हम खाली बात ये कर रहे थे, ये सापेक्ष क्या होता है समझ में आ रहा है, ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान। तो अब मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूं? जब हम फिलॉसफी को सुनते रहते हैं, समझने का प्रयास करते रहते हैं, तो हमारा इंजन चलने लगता है इंटरनल, और नहीं तो दुनिया की बातें करने का अभ्यास रहता है तो वहां तो हमारा दिमाग बहुत चलता है। और जैसे फिलॉसफी आएगी तो लगेगा, लग तो रहा है हिंदी बोल रहा है लेकिन ये मतलब ग्रहण नहीं कर रहा है मेरा मन, लग तो रहा है हिंदी से लग रहा है ना आपको, हिंदी से लग रहा है। तो ये जो सूक्ष्म बुद्धि का निर्माण है, जब हम जप अच्छे से करते हैं, भगवान का प्रसाद खाते हैं, तब वो सूक्ष्म बुद्धि आती है जिसके द्वारा हम बातों को समझ पाते हैं। बहुत सिंपल है, ये सामने क्या है? लैपटॉप है। ये क्या वस्तु हो गई? ज्ञेय वस्तु हो गई। ये ज्ञान की लैपटॉप है, ये ज्ञान हो गया। और जानने वाला कौन हूं मैं? ज्ञाता।
अब इसके अलावा और कुछ जगत में दिख रहा है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन वही बात है कि हम अगर इंटरनली मन को बंद कर लेते, समझते हैं इंटरनल बंद कर, कभी क्लास में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हम बंद कर लेते अपने मन को, तो फिर क्या कर सकते हैं बताइए। ठीक है, साथ साथ यहां बोला जा रहा है कि मूल तत्व है भगवान, और क्योंकि ये भगवान की शक्तियां हैं इसलिए अचिंत भेद अभेद तत्व की दृष्टि से ये भगवान से अलग नहीं है। इससे कई बार ये प्रश्न आता है कि अचिंत भेद अभेद तत्व है क्या, इसको हम थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पे आश्रित होती है तो दोनों में आप भेद देख रहे हो, लेकिन जब वह आश्रय जिसकी सत्ता दूसरी वस्तु पे आश्रित होती है तो उस दृष्टि से उसका अभेद कहा जाता है। जैसे बादल और सूर्य, ये अलग हैं या नहीं है श्रीनाथ जी प्रभु? मैं कहूं बादल सूर्य ही है तो भेद दिख गया आपको, लेकिन बादल सूर्य पे आश्रित है ये मानते हैं आप? थोड़ी भी ज्योग्राफी भी लग रहा है नंबर सबके जीरो आए। बादल सूर्य पे आश्रित है, बादल का स्वरूप क्या है जरा देखिए, जलमय, और सूर्य का स्वरूप क्या है, तेजोमय। तो अब आप ये कहें कि जलमय वस्तु तेजोमय वस्तु पे आश्रित है, परशुराम को मानते हैं आप बादल सूर्य पे आश्रित है, क्या विचार है आपका? यस, ऐसे प्रश्न इस प्रकार से किया जा रहा है इसका उत्तर यस ही निकलेगा, लेकिन आप बता सकते हैं कि क्यों यस, बादल सूर्य पे आश्रित है क्यों? कितने लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी है यहाँ पे, एक दो, बाकी लोग पढ़े नहीं इसलिए जानते नहीं। अरे भाई, सूर्य जब अवशोषित करता है पानी को वैपोरेट करता है उसी तो बादल बनता है, सूर्य नहीं होगा तो बादल बनेगा? इतना नहीं जानते सब लोग, जानते होंगे ये बात। Yes. तो भले ही सूर्य के स्वरूप में और बादल के स्वरूप में अलग होता, इसको भी ऐसे देख रहे हो, ये तो कोई मैं फिलोसफी नहीं बोल रहा हूँ, ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, अभी कहीं कोई नंबर कम आ गए हो तो फिर एग्जाम दे लेना, समझ रहे हैं? तो क्योंकि बादल की सत्ता सूर्य पे आश्रित है तो इस दृष्टि से बादल का और सूर्य का अभेद है। डिफिकल्ट है, समझ में आ रहा है? अब भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंदमय। और ये जगत कैसा है श्रीनाथ जी प्रभु, जगत कैसा है? क्या कौन सा जगत कैसा है? असत अचेत निरानंद, बिल्कुल बिल्कुल अलग है भगवान से। लेकिन क्या जगत भगवान पे आश्रित है? क्या प्रमाण है कि भगवान जगत जगत भगवान पे आश्रित है? जन्मादस्य तो ठीक 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 आप लोग दिखा दोगे कि हाँ मुझे श्लोक आता है। यस, तो समझ गए, इस जगत की सृष्टि आदि के कारण कौन है? भगवान है। तो भगवान जगत से बिल्कुल अलग है, लेकिन जगत की सत्ता भगवान पे है इसलिए भगवान से इसका भेद कहा जाता है। भगवान की शक्ति है। Does it make sense? ठीक। यह विचारधारा विरोध मूलक नहीं है। श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र के इस एक तथा अनेक युगपथ दर्शन भेदाभेदवाद को स्पष्ट रूप से घोषित करता है जो जन्मादस्य सूत्र से प्रारंभ होता है। अभी इसकी व्याख्या की गई। यह ज्ञान की भगवान की शक्ति भगवान के साथ एक तथा उनसे भिन्न भी है उन मनोधर्मियों पर करारी चपत है जो इस शक्ति को परमेश्वर के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। ये क्या श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ना एकदम अभेद है, ये जगत ही भगवान है, ये बात गलत है। जगत भगवान से अलग नहीं है लेकिन अलग है। जगत भगवान की शक्ति है और इस कारण से इसका उपयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए। अगर हम करते हैं तो हमारा कोई कर्म बंधन नहीं लगता, लेकिन अगर हम भगवान के जैसा मान लेंगे तो फिर जगत पर ये सच्चिदानंद नहीं है, भगवान सच्चिदानंद है, तो इसलिए समझना चाहिए कि भगवान से ये अलग भी है। इस बातें हम लोगों ने पहले श्लोक में व्याख्या किया हुआ है इसको। जब यह ज्ञान वास्तविक रूप से समझ में आ जाता है तो अद्वैतवाद तथा द्वैतवाद की धारणा अपूर्ण लगने लगती है। इस दिव्य चेतना का विकास जो एक ही समय में एक तथा भिन्न की विचारधारा पर दीक्षित हो जाने से तीनों प्रकार के कष्टों से तुरंत ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। ये बात थोड़ी कठिन है समझने में। अगर हमको ये अचिंत भेद अभेद तत्व समझ में आ गया तो हम कष्टों से मुक्ति कैसे प्राप्त करेंगे?
ये प्रश्न बनेगा, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, भगवान से विमुख होने के लिए हमें क्या मानना पड़ेगा? हम भगवान के नहीं है और ये जगत भगवान का नहीं है, तभी हम भगवान से अलग रह करके भोग करने का प्रयास कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है या एकदम ऊपर से जा रही है? नहीं समझ में आ रही है तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। जब हम जन्म लेते हैं, भक्तों का संग प्राप्त नहीं करते हैं, तो कभी सोचे कि हम भगवान के हैं? नहीं सोचे। कभी ये सोचा कि इंद्रियां हमें किस लिए दी भगवान ने, आंख नाक कान इत्यादि? कभी सोचा कि जो वस्तु मेरे आसपास है वो कौन रखा है? मनोज प्रभु, कभी लगा आपको? कभी नहीं सोचते। और तभी तो हम लोग बड़े खुल करके भोग करने की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लेते हैं। जो भक्त हैं वो जानते हैं ये आलू रखा है, ये आलू भी कृष्ण का है, ये भोग लगा करके ही मुझे ग्रहण करना चाहिए। ये भगवान के अंतर्गत भगवान के स्वामित्व को स्वीकार करने वाली भावना है। मैं बहुत स्लो आज बोल रहा हूं ताकि मेरी बातें आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। ये माउस किसका है? भगवान का। ये लैपटॉप किसका है? भगवान का। और इसका उपयोग किसके लिए होना चाहिए? मेरे लिए। तो यही बातें इंपॉर्टेंट समझ में आनी चाहिए। मैं किसका हूं? भगवान का हूं। तब जब ये समझ लेता है तो भगवान से जो विद्रोह की भावना है ये समाप्त हो जाती है। अना क्या है वो श्लोक, कई बार मैं उसको कोट किया हूं, कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख अतेव माया दे तार संसार दुख। मेरे पीछे बोलिए, कृष्ण भूले, तो पीछे बोल रहा हूं तो पीछे बोलिए, कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख अतेव, ऐसे ही बोलिए अतेव, मतलब एकदम समझ आए, इसीलिए अतेव माया दे तार संसार दुख। तो संसार दुख जब जानते हो, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक कष्ट इसी किस लिए दे रहे हैं? क्योंकि अनादि काल से जीव कृष्ण को भूला हुआ है। जैसे समझ गया कि सारी वस्तुएं भगवान की हैं, मैं भगवान का हूं, भगवान की सेवा करना है, तो ताप कम होना शुरू हो जाता है। अपने जीवन में हम देखते हैं, जो भक्तिमय जीवन बता रहे हैं, भौतिक रूप से जीवन वैसा ही है जैसे कि बाहर के भौतिकतावादियों का होता है, लेकिन हृदय में जलन समाप्त हो जाती है। सुबह तो बहुत लोग उठते हैं, मतलब ज्यादा अंतर नहीं कह सकते, खा रहे हैं पीने, लोगों को लगेगा तुम तो हमारे जैसे कार्य कर रहे हो, लेकिन हृदय में हम ठंडक का अनुभव करते हैं। मेक सेंस? ठीक है, ओके। ये सब बातें बड़ी रहस्यमय हैं। ये तीन प्रकार के कष्ट हैं, मन तथा शरीर से उत्पन्न दुख। कौन से का नाम क्या है संस्कृत में? आध्यात्मिक। अन्य जीवों द्वारा पहुंचाए गए दुख आदि भौतिक। प्राकृतिक विपदाओं से उत्पन्न दुख आदि दैविक, जिन पर किसी का वश नहीं होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जब हमारा इन वस्तुओं पे वश नहीं है तो इनके पीछे रोने से क्या मतलब? मेक सेंस? भगवान कृष्ण इस बात को 11वें स्कंद में कहेंगे, रोने से कोई समस्या हल नहीं हो जाती, फिर भी मूर्ख लोग रोते हैं। Yes? और जिस चीज पे हमारा वश नहीं है उसके लिए रोते हैं। तो भक्त लोगों के जीवन में भी इस प्रकार से बाह्य ताप आ सकते हैं, मतलब इन द सेंस दुख आ सकते हैं, लेकिन उससे वो अभिभूत नहीं होते। अपितु सच्चे भक्त तो दुख को भी सुख मानते हैं। मुझे तो बहुत दुख भोगना था, मुझे भगवान की कृपा से बहुत कम दुख भोगना पड़ा, तो फिर दुख कहां रह गया? बड़े कठिन चेतना है, लेकिन दुख भी आता है तो उसके लिए भगवान को धन्यवाद देते कि हमें बहुत दुख भोगना, तो ये वास्तविकता है कि बहुत दुख भोगना होता है, लेकिन भगवान बहुत कम करके देते हैं। श्रीमद् भागवतम का शुभारंभ परम पुरुष के प्रति भक्त के आत्मसमर्पण से होता है। इसको हमने कहां सीखा था? सत्यम परम धीमहि, मैं भगवान उन परम सत्य का ध्यान करता हूं। भगवान ने गीता में कहां समाप्त किया था? मन मना। यस, वहां से भागवतम शुरू हो रही है। भक्त भली भांति जान रहा है कि भगवान से एक होते हुए भी
उसकी स्थिति उनके नित्य दास के रूप में है। एक का अर्थ क्या है? कृष्ण तटस्था शक्ति भेद अभेद प्रकाश। जैसे सूर्य की रोशनी, सूर्य है क्या मनोज प्रभु? सूर्य की किरण सूर्य है? सूर्य की किरण नित्य प्रभु, सूर्य की किरण सूर्य है, लेकिन क्या वह सूर्य से अलग हो सकती है? ठीक, तो उसी प्रकार से हम लोग कभी अलग नहीं हो सकते हैं, और यह समझना बहुत जरूरी है कि हम उनके नित्य दास हैं, कृष्ण के नित्य दास हैं, बद्धावस्था में भी उनके ही दास हैं। भौतिक विचारधारा के अनुसार मनुष्य झूठे ही अपने को अपने आसपास की सब चीजों का स्वामी मानता है, इसलिए वह जीवन में तीन प्रकार के संतापों से पीड़ित रहता है। किंतु जो ही उसे नित्य दास रूप में अपनी इस वास्तविक स्थिति का पता चल जाता है, तो वह तुरंत इन सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। जीव जब तक भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास करता है, तब तक वह परमेश्वर का दास नहीं बन सकता। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यह तो समझ में आ गया कि हम जब तक अपने आप को भगवान के सेवक के रूप में नहीं समझ सकते हैं, समझते हैं, तब तक भोग की प्रवृत्ति बनी रहती है। तो समझ में आ रहा है, उसकी वजह से दुख मिल रहे हैं। अब प्रभुपाद जी बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं कि जब तक हम इस जगत पे भोग करने की प्रवृत्ति से युक्त हैं, तो हम कर क्या रहे हैं? हम अपने आप को इस प्रकृति का ईश्वर मान रहे हैं, और ईश्वर है कौन? भगवान। तो हम उनसे कंपटीशन करने की भावना से युक्त हैं। Does it make sense? और भक्ति में सारी बातों में भगवान की अनुगत्य की बात की जाती है। भाई अगर आप किसी का झूठा खा रहे हैं तो उसके सेवक हो गए कि नहीं हो गए? जैसे सामान्यतः बोला जाता है कि पति का झूठा पत्नी खा सकती है, लेकिन पत्नी का झूठा पति नहीं खाता है। पता नहीं ऐसा आजकल होता है कि नहीं होता है, लेकिन ऐसा सिद्धांत यह है कि नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं खाना करना चाहिए। ये नहीं कि चटनी बच गई है तो पति जी खा लीजिए, थोड़ा खत्म कर दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे उच्चतर और निम्नतर की बात है। तो अब भगवान के झूठा हम लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं, और जम के खाते हैं कि नहीं, भगवान का प्रसाद खाते कि नहीं, तो भगवान का अनुगत्य होगा कि नहीं? खाना खाने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन भगवान का प्रसाद ग्रहण करो। समझ में आया? झुकना है, भगवान को प्रणाम करो, क्लियर? तो जब भगवान का अनुगत्य स्वीकार कर लेता है व्यक्ति, तब वह भौतिक प्रकृति पे प्रभुत्व जताने की भावनाओं से धीरे धीरे क्रमशः वह मुक्त होता चला जाता है। ठीक है, ये बात बोल रहे, तो फिर वह दुखों से भी मुक्त हो जाएगा। जैसे एक सिंपल से उदाहरण समझिए कि भारत में सरकार कंट्रोलर है इस देश की, कुछ लोग अपनी विपरीत सरकार बनाना चाहते हैं, होता है ना, कुछ लोग सरकार के विरुद्ध विद्रोह में जाते हैं, तो ऐसे में महात्माओं की का तीर्थ का क्या होता है? जो सरकार के विरुद्ध चलते हैं ऐसे महात्माओं का तीर्थ कहाँ होता है? जेल, सिंपल। और जेल जाने के लिए मतलब गवर्नमेंट नोटिस निकालती है कि भाई जेल खाली हो रही है, कुछ लोग कुछ महात्माओं की वहां पे आवश्यकता है, कुछ क्राइम करें तो आप चले जाइए वहां पे, ऐसे तो करती नहीं है, लेकिन कुछ महात्माओं की ऐसी प्रवृत्ति होती ही है कि वह देश के या सरकार के विरुद्ध जाएंगे और फिर उनको जेल में भेजना पड़ता है। तो उसी प्रकार से जो जीव भगवान से विद्रोह करना चाहते हैं उनके लिए भौतिक जगत रूपी जेल है, हम सभी लोग। ठीक है, भगवान की सेवा मनुष्य के आध्यात्मिक स्वरूप की विशुद्ध चेतना द्वारा, एक मिनट से पहले आगे बताना भूल गया, जब तक वह जेल इसलिए भेजा जा रहा था कि वो सुधर जाए, अगर वहां जाकर भी वो लड़ाई करता रहेगा, कुछ एक आदमी का मर्डर कर देगा, तो क्या उसको जेल से छोड़ेंगे? समझ में आ रहा है ना? अगर सुधर जाएगा तो हाँ ठीक है भाई, जेल से छोड़ करके तुम समान नागरिक की तरह रह सकते हो। तो उसी प्रकार से यहाँ बात हो रही है कि अगर व्यक्ति भगवान की दासत्व स्वीकार करते, भगवान की सेवा करता है, तो भगवान की कृपा से माया उसको छोड़ देती है। ये ध्यान देना होगा कि माया हमारी स्वेच्छा से नहीं चल रही है, भगवान की इच्छा से चल रही है। इच्छानुरूपमपि चेष्टते सा भगवान की शक्ति है, भगवान की इच्छा से चल रही, हमारी इच्छा से नहीं चल रही। तो जब हम उनके शरणागत होते हैं तभी माया छोड़ती है, नहीं तो छोड़ने वाली हमको नहीं है। यस, भगवान की सेवा मनुष्य के आध्यात्मिक स्वरूप की विशुद्ध चेतना द्वारा की जाती है।
इस सेवा से वह समस्त भौतिक अवरोधों से तुरंत मुक्त हो जाता है। सिंपल सी बात है, जितने अनर्थ हैं, काम क्रोध मोह इत्यादि, वह सब जब हम भगवान की सेवा करते हैं वह अपने आप भगवान की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। इससे भी बढ़कर श्रीमद् भागवतम श्री व्यासदेव द्वारा वेदांत सूत्र पर की गई व्यक्तिगत टीका है। इसकी व्याख्या मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इसकी व्याख्या हमने चक्रवर्ती पाद के प्रथम अर्थ में कर दी थी, किस प्रकार से धीमहि शब्द जो है जिज्ञासा की टीका इत्यादि हमने व्याख्या किया था वहां पे। इसका लेखन उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की परिपक्वावस्था में नारद जी के अनुग्रह से किया। इसको भी आप आगे सीखोगे, सारे शास्त्र लिखने के बाद भी व्यासदेव संतुष्ट नहीं थे। फिर नारद जी ने कहा कि आप केवल भगवान की गुण प्रधान शास्त्र लिखें श्रीमद् भागवतम से आप भी संतुष्ट होंगे, भगवान भी संतुष्ट होंगे। तो उन्होंने इस प्रकार से लिखा था। श्री व्यासदेव भगवान नारायण के प्रामाणिक अवतार हैं, अतः उनकी प्रामाणिकता पर किसी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। कर्तृत्वोपि श्रेष्ठ माह, श्रीधर स्वामी कह रहे थे कि लिखने वाले की दृष्टि से भी ये शास्त्र श्रेष्ठ है। इसको प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं, भगवान नारायण के अवतार हैं तो इसलिए कोई डाउट नहीं है कि शास्त्र में जो कुछ भी है वो बिल्कुल प्रामाणिक है। वे अन्य सभी वैदिक साहित्य के भी रचयिता हैं, तो भी वे श्रीमद् भागवतम के अध्ययन को उन सबों से बढ़कर बताते हैं। किन शब्दों में? किम वा परैर, अन्य शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है? कौन बोल रहा है? व्यासदेव जी बोल रहे हैं। आप इसी श्लोक में बोल रहे हैं, अन्य पुराणों में विभिन्न विधियां दी गई हैं जिनके द्वारा देवताओं की पूजा की जा सकती है, किंतु भागवत में केवल परमेश्वर का उल्लेख है। और अगर किसी को विश्वास नहीं है तो वह अन्य पुराण पढ़ सकता है और देखिए कि भागवतम श्रीमद् भागवतम की जो शुरुआत है और अन्य पुराणों की शुरुआत में कितना अंतर है। कहीं ऐसे पुराण में नहीं लिखा होगा कि इस पुराण को सुन करके भगवान तुरंत हृदय में आ जाते हैं दूसरे श्लोक में ही। किसी पुराण में और अंश में नहीं लिखा होगा कि आप जीवन की परम सफलता यह है कि भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो, अहेतु की भक्ति प्राप्त हो। तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आप अपने आप ही अंतर महसूस करते जाएंगे। वैसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं क्योंकि व्यासदेव कह रहे कि अम्बा पर है और पढ़ने की क्या जरूरत है, लेकिन अगर किसी को संदेह है तो पढ़ सकता है। किंतु भागवत में केवल परमेश्वर का उल्लेख है। परमेश्वर समग्र शरीर है और अन्य सारे देवता इस शरीर के विभिन्न अंग हैं। फलस्वरूप परमेश्वर की पूजा करने पर अन्य देवताओं को पूजने की आवश्यकता नहीं रहती। अन्य देवता अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है। आगे आप पढ़ने वाले हो, शिव जी कहते हैं कि वैष्णव मुझे प्रिय हैं और मैं वैष्णवों को प्रिय हूं। तो शिव जी सबसे बड़े देवता हो गए। जब वह भक्तों से संतुष्ट हैं तो अन्य देवताओं का तो संतुष्ट होना स्वाभाविक सी बात है। परमेश्वर तुरंत ही भक्त के हृदय में स्थित हो जाते हैं। भगवान चेतन महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम को निर्मल पुराण कहा बताया है, अतः यह अन्य समस्त पुराणों से भिन्न है। जैसे इसकी व्याख्या कैसे की गई थी, इसकी व्याख्या बहुत सुंदर तरीके से की गई थी। अभी याद, प्रथम अर्थ में किया गया था इस बात को कि किस प्रकार से, हाँ, जैसे कि मछलियों में अवतार लेते हुए भी भगवान मछली नहीं है। मत्स्य अवतार मछली है? हाँ, मछली है या नहीं है? श्रीनाथ जी प्रभु है मछली है भगवान? अभी तो है, कभी तो नहीं है, क्या बोलना चाहते हैं? इंसानों में जन्म लेने प्रकट होने के बाद भी कृष्ण इंसान है, समझ में आया? तो अन्य शास्त्रों के रूप में भी मध्य प्रकट होने के बाद भी श्रीमद् भागवतम पूरी तरह से दिव्य ग्रंथ है। यही पढ़े थे हम लोग, यस। इसमें भौतिकता का कुछ भी नहीं है। कोई व्यक्ति बोला भागवतम के कौन से श्लोक सबसे महत्वपूर्ण है, हमने कहा सभी। उसमें कौन से श्लोक को आप त्याग देंगे बताइए, लेकिन अब सब तो याद नहीं कर सकते। इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने की उचित विधि यह है कि उसे विनीत भाव से सुना जाए। अब मैं पढ़ लूंगा, उसी से समझ में आ जाएगा। चुनौती देने की प्रवृत्ति से इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने में मदद नहीं मिल सकती। यहां पर उचित मार्गदर्शन के लिए जो एक शब्द प्रयोग है वह है शुश्रुषु। मनुष्य को इस दिव्य संदेश को सुनने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। सुनना और सुनने के औत्सुक्य में अंतर होता है। औत्सुक्य मतलब सुनने की उत्सुकता, दोनों में अंतर समझते हैं।
उत्सुकता होना कि अब क्या विषय वस्तु बोली जाएगी, क्या चर्चा होगी, यह है उत्सुकता। और एक ये है कि भाई अब 8 से 9 में हमें समय बिताना है, क्योंकि 9 बजे ब्रेकफास्ट होगा तो हम सुनेंगे, तो उससे भी कुछ लाभ हो सकता है, लेकिन उसको औत्सुक्य नहीं कहा जाएगा, उसे उत्सुकता नहीं कही जाएगी। क्या अंतर समझ रहे हैं? मुझे याद है कि हमारे कॉलेज में जब मैं 11th 12th में था, तो वहां के जो फाउंडर आचार्य थे स्कूल के जो भी कहे, इनका नाम मैं नहीं रखना चाहता यहाँ पे, लेकिन बहुत बोर करते थे। मतलब कुछ लोग होते ना, समझ नहीं आता कि उनकी दिशा किधर जा रही है, मतलब कौन से धर्म को प्रस्तुत करना चाहते हैं, मतलब बोल रहे हैं शायद खुद भी पता नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं। अब पहले ऐसे लोगों से, और वो ऐसे बहुत मॉरल प्रवचन करते हैं, ये करते हैं, ये करना है, वो करना है, एकदम स्पष्ट क्लियर नहीं समझ में आता कि वो क्या कहना चाहते हैं। और वहां हम लोग को जबरदस्ती अटेंडेंस लगा लगा करके बुलाया जाता था, टीचर भी बेचारे खड़े रहते थे वहां पे, वहां बैठ भी सकते नहीं थे। क्या आप कभी ऐसे प्रवचनों में गए हैं? Yes. कौन गया? हाँ, आपके कॉलेज में भी इस प्रकार से होता था, और कुछ क्लियर डेफिनेशन नहीं कि करना क्या है। तो वहां पे ऐसे जगह में हमारी कोई उत्सुकता नहीं होती थी वहां पे श्रवण करने की, समझ रहे ना मेरी बात? लेकिन श्रीमद् भागवतम को जब श्रवण करने की उत्सुकता रहती, तो उत्सुकता बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रभुपाद आगे बताएंगे, जिस भक्त ने श्रुण्वताम स्व कथा कृष्ण, में जिसने भगवान को श्रवण करने के आग्रह को जागृत कर लिया है, उसके हृदय को भगवान शुद्ध कर देते हैं। आग्रह समझ रहे हैं, मतलब इच्छा है सुनने भगवान के बारे में कुछ, सुनने भगवान के बारे में कुछ सुनने, ये बात है। निष्ठा पूर्वक सुनने या श्रवण करने की कामना ही इसकी पहली योग्यता है। समझ में आना यह योग्यता नहीं है, लेकिन हाँ, भगवान के बारे में कुछ बोला जा रहा है, सुना जाए, यह इच्छा, यह योग्यता है। एक उदाहरण के लिए, श्रील प्रभुपाद जी यहीं पे थे, वृंदावन में, मतलब ब्रज में थे, और उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, यही हुआ था ना, ये 6 घंटा जब बोले थे, यही बात हुई थी शायद, यहीं पे बात हुआ था, इस वजह ओनली मतलब ब्रज में हुआ था, और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी प्रवचन कर रहे थे, और उन्हें 6 घंटे प्रवचन किया, 6 आवर्स। कभी कभी लोग कहते हैं प्रवचन में क्या है, केवल ये कोई ये भक्ति नहीं है, तो श्रील भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर जी के भक्त नहीं थे? एक प्रश्न सोच लेना चाहिए, प्रश्न कर लेना चाहिए, ये प्रवचन करने की क्या जरूरत है, डिस्कशन करने की क्या जरूरत है, 6 आवर्स। तो उसमें श्रील प्रभुपाद जी रहे, तो बाद में जब प्रभुपाद जी को रिकमेंड किया जा रहा था दीक्षा के लिए, तब श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी बोले, नहीं, आई हैव मार्क्ड हिम, ही हैज टेस्ट फॉर हियरिंग। तो प्रभुपाद जी कह रहे थे, ऐसा नहीं था कि जो जो सुन रहे थे सब कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन उनको लग रहा था कि मैं कम से कम कुछ सुनूं, की बात थी। तो यहां बहुत इंटरेस्टिंग बात समझ में आ रही है, पहली योग्यता क्या है, श्रवण की उत्सुकता। कम, आप कहेंगे श्रवण की उत्सुकता क्यों नहीं होती, तो बड़ा स्पष्ट है, कम भाग्यशाली व्यक्ति इस श्रीमद् भागवतम को सुनने में बिल्कुल रुचि नहीं दिखाते। जैसे हमारे यहाँ पे भी गोशाला से राजकुमार प्रभु हैं, माता जी हैं, बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे, बाकी लोग कम से कम कोई सेवा दे रहे हैं राजकुमार, कभी आप सोचते नहीं इस तरह से कि बाकी लोग क्यों नहीं आते यहाँ पर श्रवण करने के लिए? क्या जगह नहीं है, भर गई जगह है, लोग लड़ रहे हैं आपस में घुसने के लिए, भाई भागवतम हो रही है, हमें घुसना है, हमें सुनना है, ऐसा तो कुछ भी नहीं, कभी सोचा आपने? आंखों के सामने आप देख रहे हो कि कुछ लोगों के हृदय में बिल्कुल इच्छा नहीं आ रही है कि श्रीमद् भागवतम को सुनना है। चलो मैं खराब बोलने वाला हूं, क्या सभी लोग खराब बोलने वाले? मंदिर में भी क्लास होती, कुछ कुछ भी सुनने की इच्छा नहीं होती, आश्चर्य नहीं करते आप लोग? डू यू डोंट फील सरप्राइज्ड? इच्छा ही नहीं होती कि भागवत श्रवण किया जाए। और ऐसा तो नहीं कि मैं हमेशा कठिन बातें बोलता हूं, कभी कभी तो हिंदी बोलता हूं ना, तो क्यों? पुण्यर्विना तु श्रवण इच्छा न उत्पद्यते इति अर्थः, पुण्य के बिना श्रवण करने की इच्छा ही नहीं होगी, ये अर्थ है। सीधी सीधी बात, इतने संस्कृत याद कर लेना चाहिए। और भाग्यशाली क्यों कह रहे हैं, कम भाग्यशाली क्यों कह रहे हैं? अरे इतना बड़ा भाग्य है, श्रवण करने की इच्छा से भगवान हृदय में आ जाएंगे और फिर भी नहीं कर रहा है, मतलब भाग्यहीन व्यक्ति। इसकी विधि सरल है किंतु इसे व्यवहार में लाना कठिन है। विधि सरल, लाके बैठो सुनो, लेकिन व्यवहार में लोग नहीं ले पाते। भाग्यहीन व्यक्तियों को व्यर्थ सामाजिक तथा राजनीतिक बातें सुनने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है।
किंतु जब उन्हें भक्तों की सभा में श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वे सहसा अन्य मनस्क होते हैं। मुझे याद है कि एक बार हम लोग अंबाला से लौट रहे थे, कई बार मैंने उदाहरण को दिया, दो बुड्ढे बैठ गए सामने और एसी में वैसे भी बाहर की आवाज नहीं आती, तब से मैं स्लीपर में चलता हूँ, स्लीपर में कम से कम लोगों की आवाज नहीं सुनाई पड़ती, क्या क्या किच 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 करते हैं। तो 6 घंटे वो बात करते थे पंजाबी में और पार्थ वो बता रहे थे अभी ये लोग पनीर के बारे में बात कर रहे हैं, अभी जूते के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे करके 6 घंटे और इतनी जोर, और साड़ी गल सुनो साड़ी गल सुनो, और मेरा कान पक गया। मैंने कहा भाई बंद कर दो, मुझे थोड़ा रेस्ट करने दो, ऐसा करके कहते हैं इतने दिन के बाद मिले, बात भाई आहार निद्रा भय मैथुन जो भी को, इससे बाहर बाहर जाती नहीं बात। और जहां कह दो कि भाई अब हम गीता भागवत चर्चा करेंगे तो क्या इससे क्या होना है, कुछ नहीं। तो ये स्थिति है। लेकिन मुझे इससे प्रेरणा मिलेगी, भक्तों का उत्साह होना चाहिए 6-6 घंटे 7-7 घंटे भागवत पढ़ने का चर्चा करने का, घबराइए मत, इतना करने वाले नहीं हम। अच्छा, अब कभी लोग भागवत की चर्चा तो करते हैं लेकिन गलत तरीके से करते हैं। तो प्रभुपाद यह कह रहे हैं कभी कभी भागवत के व्यवसायी कथावाचक सहसा भगवान की गोही लीलाओं में पहुंच जाते हैं और उनकी व्याख्या यौन यानी अश्लील साहित्य के रूप में करते हैं, यानी कि यह भी तरीका गलत है। अब देखिए यहां पे वह भगवान को अपनी इंद्र तृप्ति का विषय मान करके प्रस्तुत कर रहे हैं। महाराज प्रवचन में कहते हैं, कह रहे थे कि हमारे सामने कंप्लेन को क्या बोलेंगे हिंदी में, शिकायत आ रही है कि भाई अभी तक रुक्मणी का विवाह नहीं हुआ, लाला का जन्म नहीं हुआ। महाराज समझा रहे थे, कुछ तो कोई कथा कह रहे थे, महाराज तो एक प्रसंग लेके बताते हैं, मान लो दामोदर लीला है ऐसे करके। तो लोगों की अभ्यस्त हो गए हैं कि कथा पार करो गा बजा करके। लेकिन श्रीमद् भागवतम एक PhD साइंस है कृष्ण भावना की, ये गाना बजा करके म्यूजिक बजा करके कथा पार नहीं की जाती है। महाराज कई बार कटाक्ष करते हैं, उसकी कथा होती है ना सत्य नारायण की कथा, कह रहे हैं सुनने वाली आती है माता जी लोग जो बिल्कुल निपट अनपढ़ है गाँव में, और पंडित जी को कई जगह कथा कहनी होती है उस दिन, तो संस्कृत में प्रवचन करते हैं। तो जब है बीच में कुछ रोकते हैं, कहते हैं समाप्त हुआ, तो शंख बजता है तो एक लाइन खींच देती हूँ, हाँ प्रभु जीता ने देखा है। तो इस प्रकार से कथा सुनना कोई फायदा नहीं, इसीलिए प्रभुपाद जी गीता में कहीं कहते हैं सुअर और कुत्ते की तरह सुनना नहीं सुनना है। जानवर आदमी बैठा कुछ समझ कुछ उसको विषय मतलब नहीं, बस खाली लाइनें खींचना, यह कोई तरीका नहीं कथा सुनने का। और कथा सुनाने वाले को भी कोई मतलब नहीं है कि वह समझ में आया, कोई मतलब नहीं। ओ आपने सुना है 1 घंटे में कथा पूरी है कि साधु बनिए ने सुना, साधु राम बनिए ने कथा सुनी तो फायदा हुआ, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि कथा है क्या, हमने तो कभी सुनी नहीं। हाँ बोलते चले जाते, हाँ शायद सही है। तो इस प्रकार से कथा का कारितः कर्ण लोभेना कथा सारम ततोगतः, जो केवल अन्न के लोभ के लिए या धन के लोभ के लिए कथा कर रहा है उसकी कथा का सार चला जाता है, जैसे नींबू के जूस से नींबू चला जाए तो क्या बचा उसमें, समझ में आए। तथा कथा सारम ततोगतः, इडली में से आप अगर रवा निकाल दीजिए चावल निकाल दें क्या बचा अमरनाथ प्रभु, उसमें से कुछ नहीं बचा, वही स्थिति हो जाती। और ये ऐसा मत सोचिए कि प्रभुपाद जी केवल सिद्धांत बोल रही, मेरा अनुभव है, मैं कई बार रिपीट किया हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं इस घटना को सुनकर के आश्चर्यचकित हो गया। हम पार्थ कृष्ण के गांव में गए, उस व्यक्ति ने हमसे बात कर रहे थे, कह रहे थे 35 भागवत सप्ताह कराए, 4 घंटे का एक सेशन गुणा 7 कितना हो गया 28, सोच रहे हैं 28 गुणा 35, आप सोच लीजिए कितने घंटे, और फिर भी वो रिसर्च कर रहा है भगवान कौन है। मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ भगवान कौन है। हमने क्या है यहाँ तो 2 सेशन में व्यक्ति को समझ में आता है कृष्ण भगवान है, तो यानी कि बोलने वाले को भी पता नहीं होगा और सुनने वाले की तो गति छोड़ दीजिए। फिर उसने बोला हाँ मैं तो केवल धन इकट्ठा करने के लिए भागवत सप्ताह कर रहा था, कोई रुचि नहीं है भागवत में क्या हो रहा है। Does it make sense? तो इस प्रकार से नहीं सब पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भागवतम तो प्रारंभ से सुनने के लिए निर्मित है, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं। जैसे मेरे माता जी बोल रही थी अरे शायद हम जब 12वां स्कंद पूरा करेंगे तब तक मैं जिंदा नहीं रहूं। कोई बात नहीं। जैसे हमारे गुरु भाई थे, मुझे बोले अरे मेरी बड़ी इच्छा होती है
कि हम वो चतुश्लोक की भागवत की व्याख्या सुना है। हमने कहा प्रभु जी अभी तो गीता पढ़ा रहा हूँ, जब आगे पढ़ाऊंगा तब आएगा, लेकिन बेचारे शरीर छूट गया उनका। कोई बात नहीं, वृंदावन में शरीर छूटा, शायद कार्तिक में शरीर छूटा था श्रीपति प्रभु। तो इस लालसा से शरीर छूटे तो कोई दिक्कत नहीं, काश मैं भागवत का आस्वादन कर सकूं। तो कृष्ण ऐसी व्यवस्था करेंगे कि हम आगे भी भागवतम का आस्वादन कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं एक श्लोक पे एक महीना विचार करना चाहिए, 18,000 श्लोक के हिसाब से 1500 साल। काफी लंबा कोर्स है जितना। श्रीमद भागवतम तो प्रारंभ से सुनने के लिए निर्मित है। जो लोग इस ग्रंथ को आत्मसात करते हैं उनका लेख इसी श्लोक में है। कोई व्यक्ति अनेक पुण्य कर्मों के बाद श्रीमद् भागवतम सुनने के योग्य बन पाता है। स्पष्ट है, इसकी व्याख्या पहले की गई हुई है। महामुनि व्यासदेव बुद्धिमान एवं विचारवान व्यक्तियों को आश्वासन देते हैं कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से उन्हें भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो सकता है। तो भागवत विधि में ये दो बातें महत्वपूर्ण है, हरि नाम का जप और श्रीमद् भागवतम का श्रवण। इसे भागवत विधि कहते हैं, ठीक है। पंचरात्रि की विधि में भगवान के अर्चन मार्ग इत्यादि होता है, इसमें भागवत विधि कहते हैं। वेदों में वर्णित साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं को पार किए बिना ही इस संदेश को ग्रहण करने के लिए सहमत होने मात्र से मानव परमहंस पद को तुरंत प्राप्त कर सकता है। यानी कि जैसे वेदों में वर्णित क्या साक्षात्कार विभिन्न व्यवस्था है, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग इत्यादि इत्यादि, वह सब बाईपास करके जैसे लिफ्ट में बटन दबाइए और साए से ऊपर चले जाएंगे, ऐसे ही भाग्य से भक्तों के संग से कैसे भी अगर श्रीमद् भागवतम श्रवण करने की इच्छा आ गई तो निश्चित रूप से व्यक्ति परमहंस बनेगा। यानी कि परमहंस ना भी हो उसके अंदर परमहंस होने की योग्यता हो जाएगी। तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा भाग्य हमारा है, हमको नहीं पता कि हमने क्या पुण्य किया था या क्या नहीं किया था। भक्तों की कृपा से हमारे श्रीमद् भागवत में मति लग रही है। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें श्रीमद् भागवत में इस प्रकार की मति दें। और भक्तों के संग से हो भी पा रहा है कुछ कुछ। हम लोग अब प्रश्न कुछ देख लेते हैं। स्वर्ग जाने के लिए क्या फर्दा, क्या दो मनुष्य स्वर्ग जाना चाहते हैं तो उनमें से क्या केवल एक ही जाएगा, कृपा समझाइए। देखिए ये तो आप देख ही रहे हो, जब कोई व्यक्ति स्वर्ग जाता है, हमने श्रवण किया इस प्रकार से, तो वहां पे जाने के बाद वो लोग उसका स्वागत नहीं करते। वो जानते हैं कि हमारे भोग में से एक हिस्सा लेने के लिए आ गया, बहुत खुश नहीं होते हैं। और जब पुण्य क्षीण होता है तो व्यक्ति भी नीचे गिर जाता है। और ये तो आप जानते ही हो, तो कोई समझाने की बात नहीं है। कोई व्यक्ति यहाँ तपस्या करता है तो इंद्र को क्या लगता है, यह व्यक्ति मेरा पद लेने के लिए आया है, तो उसके लिए वह अप्सराएं भेज देते हैं उसे गिराने के लिए। तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वाटर साइकिल, हाँ, प्रभुत्व जताने की इच्छा को सटली कैसे चेक करें और ये इच्छा कैसे खत्म होगी, ये एक अच्छा प्रश्न है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि हम लोग के हृदय में भोग की इच्छा तो है, भक्ति कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि भोग की इच्छा समाप्त हो गई, तो कैसे मुक्त होगी। एक सिंपल एग्जांपल, अच्छा खाने की इच्छा है सबके हृदय में, ठीक है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते रहिए तो फिर धीरे धीरे करके ये भोगने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। नाम जप करते रहे, श्रवण करते रहे भागवतम का, तदा रजस्तमो भाव काम लोभा दयश्चे चेतेरेतेर अनाविद्धम सितम सत्वे प्रसिद्धि। तो हम सभी के हृदय में रजगुण और तमोगुण के कारण काम और लोभ की प्रवृत्ति है। तो जब हम जैसे जैसे श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे, नाम जप करेंगे, भक्ति करेंगे, तो धीरे धीरे भोग की प्रवृत्ति समाप्त होती जाएगी। ये और कोई तरीका नहीं है, इसको एटलीस्ट रेगुलेट किया जाए और भगवान की इस प्रकार से भक्ति की जाए तो फिर व्यक्ति मुक्त हो जाए। और मेरे खास यहाँ कोई प्रश्न नहीं है, यहाँ रुकते हैं। आप में से किसी भक्त कोई प्रश्न है? भागवतम का श्रवण सुकृति है या स्पिरिचुअल है? स्पिरिचुअल है, भक्तों के संग में आकर के श्रवण करना है। अब सुकृत देखिए डिपेंड करता है कि व्यक्ति की क्या कंडीशन है। मान लीजिए कोई अनायास, उसे पता नहीं कि यहाँ पे क्या बात चल रही है और वो आकर बैठ गया, उसकी कोई विशेष श्रद्धा नहीं है कि श्रीमद् भागवतम को सुनना है, तो उस केस में इसको सुकृत कहेंगे। या मान लीजिए प्रवचन हो रहा है, उसको आवाज थोड़ा लाउड स्पीकर चला दिया, कोई जा रहा है कुछ कान में चला गया, तो वो सुकृत कही जाएगी। ऐसे हम भक्त लोग हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, किसी ने कान से सुन लिया, वो सुकृत कही जाएगी। लेकिन योजना बना करके जब आ रहा है तो भक्ति है।
समझ रहे ना मेरी बात? जैसे प्रसादम बट रहा है, अब लोग सोचते हैं हाँ खिचड़ी अच्छी बांटते हैं, उनको यह तो नहीं पता होता है हमेशा कि ये भगवान का प्रसाद है, तो वहां से सुकृत कहा जाएगा। लेकिन अगर हम जान जान करके जा रहे हैं भगवान का प्रसाद है, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, तो भक्ति के अंग में आ जाएगा ना, दैट इज अ पॉइंट। लेकिन दोनों ही तरह से स्पिरिचुअल ही है। श्रीमद भागवतम का श्रवण हरिनाम तो अपने आप में आध्यात्मिक है, उसमें कोई डाउट नहीं। प्रभुपाद जी जब कीर्तन कर रहे हैं तो जो सब हिप्पी लोग उनसे नाच रहे हैं, अज्ञात रूप से वो भक्ति कर रहे हैं, जो उसे अज्ञात सुकृति आप कह सकते हैं। लेकिन जब योजना बना करके कीर्तन कर रहे हैं तो फिर वो तो भक्ति हुई ना। ये कोई प्रश्न हुआ? कोई कह रहा है कि घर में प्याज लहसुन है तो कैसे भोग लगाए, इस तो आप व्यक्तिगत पूछिएगा कैसे होगा, आप क्या कह सकते हैं? ठीक है, क्या श्रीमद् भागवतम को पढ़ना भी उसी प्रकार से महत्वपूर्ण है या सुनना काफी है? देखिए, सबसे अच्छा तरीका यह है कि अगर आपके पास पढ़ने का समय अलग से नहीं है तो जितना पढ़ाया जा रहा है, इस एक क्लास में बहुत सारी बातें बोली जाती हैं और बहुत सारी बातें गायब हो जाती हैं। अगर हमारे साथ भी पढ़ते रहेंगे तो बहुत पक्की पकड़ हो जाएगी। देखिए, आप लोगों के साथ साथ में मेरा भी एक बहुत बड़ा स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? अभी तो आप कह रहे थे हमने स्वार्थ होना चाहिए। स्वार्थ ये है कि अगर मैं स्वयं पढ़ूंगा तो मैं इतने ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ूंगा। ये मेरी ही बात नहीं है, सभी के ऊपर घटित होता है। खुद पढ़ता है व्यक्ति तो हाँ समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन जब पढ़ाने के लिए पढ़ता है तो बहुत सारी चीजों को वो ध्यान से लेकर के पढ़ता है। तो ये मत सोचिएगा कि मैं जितना पढ़ता हूँ अपने मन से बस उतना ही पढ़ता हूँ। जब हम साथ में आके चर्चा करते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ विशेष बात होती है। और जब आपके सामने इसीलिए पीडीएफ भी भेजी जा रही है ताकि आप यदि उसको पढ़ना चाहें इस जन्म में दोबारा पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर वाकई चाहते अच्छे से पढ़ना तो जो आज पढ़ाया है उसे कम पढ़ने में कम से कम आपको 15 से 20 मिनट लगेगा, उसको रिवाइज कर लीजिए और फिर आप पढ़ के आइए, फिर रिवाइज कीजिए, तो बहुत अच्छे से समझ में आता चला जाएगा। और आप देखेंगे कि मैं पुरानी बातों को रेफर करूंगा कि मैंने 1.1.1 की टीका में ये पढ़ाया था, यहाँ ये पढ़ाया था, फिर ये पढ़ाया था, ये था। अभी देखिए मैं श्रीधर स्वामी की टीके को रेफर करा रहा, मैंने ये पढ़ाया था, मैंने वो पढ़ाया था। तो अगर आप उसको थोड़ा सा पढ़ के आएंगे तो वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। भूरिजन प्रभु मुझे सिखाए थे श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य की, देखिए हम लोग रजोगुण में पढ़ते हैं, इतना पढ़ लिया, इतने पेज पढ़ लिए, लेकिन उसमें से आपने क्या वस्तु ग्रहण करने के लिए लेके गए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। टिफिन में क्या पैक किया, समझ में आया? ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं तो रिकमेंड यही करूंगा कि जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इतना तो कम से कम जरूर पढ़ें, और उसके बाद अगर आप और पढ़ सकते हैं तो और भी अच्छा होगा, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, प्रभु जी पूछ रहे हैं कि इनकी माँ चल नहीं सकती हैं तो उनका कहना है कि भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि माँ का कहना है, यानी बोल तो सकती हैं, माँ बोल तो सकती हैं। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लैला पावे प्रेम धन। चल नहीं सकते कोई बात नहीं, बोल तो सकते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सर्वश्रेष्ठ सेवा है। श्रीमद् भागवतम को श्रवण करना सर्वश्रेष्ठ सेवा है, जप करना सर्वश्रेष्ठ सेवा है, तो कोई कठिनाई नहीं है। ठीक है कि नहीं? और अब तो चल करके मंदिर में आने की आवश्यकता भी नहीं है, मंदिर अपने आप ही जूम के माध्यम से घर में पहुंच रहा है। एक भक्त बोले, प्रभु जी आप हमारे घर में कब आएंगे? हमने कहा रोज आएंगे। रोज आएंगे, इतने साधु नहीं चाहिए। तब घबरा गए, रोज आएंगे, अरे इतना तो बहुत हो गया, इतने तो साधु नहीं, इतना साधु संग नहीं चाहिए हमको। हमने कहा जूम के माध्यम से हम रोज आ सकते हैं, आप आना चाहते हो कि नहीं? कई बार लोग बोलते हैं, प्रभु जी हम आपके दर्शन के लिए आए हैं। तो हमने कहा दर्शन देने का समय तो 7 से 8 में है, दर्शन समझ रहे, फिलोसफी वो नहीं, वो नहीं चाहिए हमको, वो नहीं लेना है, केवल आपको दर्शन लेना है। तो बोल रहे हो दर्शन लेना है, और जब दर्शन दिया जा रहा है तब ले नहीं रहे, तो ये क्या कहना चाहते?